ने घायल पक्षी को गोद में उठा लिया, तीर खींचकर निकाला। पक्षी छटपटा उठा। उसका कष्ट देखकर सिद्धार्थ का मन रो पड़ा। बेटा, मैं रोज सर्दी पानी में तुम्हें यहाँ पड़ते हुए देखता हूँ, क्या कहीं कोई तुम्हारा अपना सगा नहीं? मेरा कोई नहीं है। कोई नहीं? नहीं, जब मैं छोटा था बाप मर गया। मेहनत मजदूरी करके माँ ने मुझे शहर पढ़ने भेजा। कुछ दिनों बाद छुट्टियों में जब मैं गांव वापस गया तो पता चला कि माँ भी चल बसी। मेरी एक छोटी बहन थी, वो भी घर से गायब। गांव वालों ने बताया कि वो दिन रात मेरे लिए रोया करती थी। शायद वो मुझे ढूंढने शहर चली आई होगी, पर मुझे आज तक नहीं मिली बाबूजी। घबराओ नहीं बेटा, एक न एक रोज तुम्हारी बहन तुम्हें जरूर मिल जाएगी। लो, ये कुछ पैसे रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। मैं भीख नहीं लेता। भीख मैं भी नहीं देता बेटा, पर इस तरह जियोगे कैसे? अपनी मेहनत से जीऊंगा। माँ कहा करती थी, अपना भरोसा ही भगवान का भरोसा है। बेटा बड़े बाप का बेटा है जानकी, मैं नहीं हूं। मांग तांग कर खाते पढ़ते ही मेरा बाप स्कूल मास्टर हुआ था। आधे पेट खाकर उसने मुझे डॉक्टरी पढ़ाई थी, ये मैं कभी भूल नहीं पाता हूं। तुम अपने बेटे को रईसी भोगने दो, ये लड़का और मैं दोनों एक ही क्लास के हैं, मुझे इसी के पंगत में खाना खाने दो। खाओ बेटे। रो रहा? रोते नहीं बेटे, रोते नहीं। लो खाना खाओ।
तो भाई तुम तो साथ आई नहीं, तुम्हारा हार ले आया हूँ। 20-20 हजार के हार पहनूंगी तो गर्दन टूट जाएगी मेरी। लोगों के प्यार दुलार के हार हैं जानकी, इनसे गर्दन टूटती नहीं ऊंची उठती है। इसी तरह गैरों के लिए दान एहसान में दौलत लुटाते रहे तो अपनों का क्या होगा? अपना समझकर क्यों भरम में पड़ती हो जानकी, यहाँ सभी कुछ पराया है। मैं पूछती हूँ, तुमने कभी ये सोचा कि तुम्हारी एक सयानी बेटी है, एक जवान बेटा है? एक बेटा? एक क्यों कहती हो, बेटे तो दो हैं हमारे, प्रेमनाथ और राजा। राजा होगा तुम्हारा, जाने कहां से कौन यतीम लाकर बिछा दिया मेरी छाती पर। तुम्हारे लिहाज में 10 बरस से झेल रही हूँ तो क्या बेटा भी मान लू उस लावारिस को? जानकी जब झेल ही रही हो तो सचमुच का बेटा मानकर चलो, बड़ा सुख मिलेगा। हाँ हाँ मिलेगा, जरूर मिलेगा, देख लो माँ इनके लाडले की करतूत। क्या हुआ बेटे? अरे मार मार के अपनारा कर दिया उसने मेरे दोस्तों को। राजा ने मारा है? नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जरूर कुछ बात हुई होगी, राजा कभी किसी से बेकार नहीं उलझता। जी मत चला सुधा, जब देखो तब बाप बेटी सुर में सुर मिलाकर उस कर्मचारी की तरफदारी करने लगते हो। तेरा भाई क्या झूठ बोल रहा है? हम तो प्रेमनाथ के लिहाज में पिट गए, वरना उसी सड़क पर बिछा देते जहाँ का वो है। भगवान कहाँ है राजा? वो आया, पूछ लीजिए इससे। राजा क्या हो, तुमने प्रेमनाथ के दोस्तों को मारा? क्यों मारा? हम तो चुपचाप खड़े हुए पेपर में अपना रिजल्ट देख रहे थे डॉक्टर साहब, ये 30 मार का खाम खा कर हमसे उलझ पड़ा। शट अप, ये उल्टी सीधी सफाई देकर चालाक बनने की कोशिश मत करो, शुक्र करो कि सिर्फ मार कर छोड़ दिया, मुंह में से जबान नहीं खींच ली तुम्हारी। देख लिया, देखिए इसकी सीनाजोरी। राजा आखिर बात क्या है? इन्होंने मुझे आवारा कहा, भिखारी का, दर दर के टुकड़े खाने वाला लावारिस का, फिर भी मैं चुप हूं प्रेम भैया की खातिर। तो जब आप बोलो 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 क्या कहा? इन्होंने कहा कि आप मक्कार आदमी हैं, चाल बाजर जमाना साज है, नाम के लालच में दान देकर दुनिया को बेवकूफ बनाते हैं, और आप ये झूठ है, सरासर झूठ है। शट अप, मैं जानता हूं राजा कभी झूठ नहीं बोलता। बाय द वे तुम्हारा रिजल्ट क्या आया, पास हुए तुम लोग? ओ यानी फेल हो गए। देखो बेटा अपनी कमजोरियों का गुस्सा दूसरों पर उतारना सबसे बड़ी कमजोरी। इसमें कमजोरी फेल और पास होने का क्या सवाल है? चुप रहो, मैं सब समझता हूं, अगड़ा रखो मैं। सच्चाई का चेहरा देखना चाहिए, जिन्हें तुम दोस्त समझते हो वो दोस्त नहीं। तुम्हारे रिजल्ट का क्या हुआ, पास हो गए ना? पास हो गया, हे भगवान मेरा बेटा पास हो गया। माँ अब मैं यहाँ नहीं पढ़ूंगा, आगे की पढ़ाई बैंगलोर जाकर करूंगा। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है बेटा, तुम चाहे जहाँ रहकर पढ़ो, गैरों के लिए जेबें खुल सकती है तो अपने के लिए थैलियां खुल सकती। What about you? तुमने अपना रिजल्ट नहीं बताया राजा। उसका क्या पूछना बाबूजी? वो तो होगा ही हमेशा की तरह। I'm proud of you, my boy. आपके आशीर्वाद का फल है बाबूजी। एक बेसहारा को सहारा देकर आपने सर ऊंचा उठाने लायक बना दिया, वरना मैं क्या कर सकता था। अपने इरादे ही आदमी को कामयाब बनाते हैं बेटा, सहारा तो एक बहाना है। राजा जी कॉलेज का रिकॉर्ड तो तोड़ दिया, अब एमए करके स्टेट का रिकॉर्ड तोड़ना है क्या? नहीं सदा, अब और नहीं तोड़ूंगा, कहीं नौकरी करूंगा और बाबूजी की सेवा करूंगा। ना तुम्हें मैंने नौकरी करने के लिए पढ़ाया है और ना ही अपनी सेवा कराने के लिए। मैं चाहता हूं तुम कानून पढ़कर अपनी वकालत के जरिए उन्हें इंसाफ दिलाओ जिन्हें असल में उसकी जरूरत है। आपकी इच्छा को मैं हुक्म मानता हूं। राजा मैं सोचता हूं तुम भी बेंगलोर ही जाकर लॉ कॉलेज ज्वाइन कर लो।
बेंगलुरु? राजा जी, बिश्री की बहन याद आ गई क्या बेटा? जी ये सच है, खून आवाज देता है। जमाना गुजर गया बाबूजी, मालूम नहीं कहां होगी, किस हाल में होगी।